ESPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का खास पेशकश में, जहां पर बात होगी बिहार के सियासी घमासान पर, क्योंकि बात जरूरी है। बिहार में जिस तरीके से सियासी घमासान मचा हुआ है और आज यानी कि सोमवार 12 फरवरी के दिन बिहार विधानसभा में फ्लो टेस्ट जारी है, इस सब के बीच तमाम ऐसी चीजें निकल के सामने आ रही हैं जो यहां एनडीए के साथ साथ महागठबंधन की भी मुश्किलें बढ़ा देने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम चीजें निकल के आई यहाँ पर, वो वाकई में इस बात की ओर इशारा कर रही है कि सरकार पर खतरा तो यहाँ केवल एनडीए की ही नहीं बल्कि महागठबंधन पर भी लगातार बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो जादुई आंकड़ा बिहार विधानसभा में सरकार बनाने का है वो 122 है। यानी जिस तरीके से बिहार विधानसभा में 243 सीटें आती है और सत्ता तक पहुंचने के लिए बहुमत का जादुई आंकड़ा 122 का है, और उसको लेकर के लगातार जो एनडीए का वर्तमान में दावा है, या कहें कि एनडीए का जो समीकरण गणित समीकरण समय है वो 128 विधायकों का समर्थन उस पर दिखा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से यहां एनडीए के कई विधायकों को लेकर, कई नेताओं को लेकर के विपक्षी महागठबंधन और एनडीए के इतर इंडिया के यहां कई नेताओं के द्वारा दावे किए गए कि यहां हमारे एनडीए और यहां तक कि जेडीयू के विधायक भी हमारे समर्थन में है, तो क्या अगर उस दावे में दम है तो क्या यहां पर एनडीए की सरकार फेल पड़ जाएगी? बता दें कि जिस तरीके से फ्लोर टेस्ट का दिन है, फ्लोर टेस्ट जारी है, इस सब के बीच यहां पर पाला बदलने और विधायकों के यहां विधानसभा ना पहुंचने की खबरें भी लगातार आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार विधानसभा में इस वक्त फ्लोर टेस्ट जारी है और 122 विधायकों का समर्थन किसी ना किसी तरीके से पार महागठबंधन को करना है, तो एनडीए को भी अपने 128 या कहीं कि उससे ज्यादा विधायकों के समर्थन को पार करना है। दरअसल आपको बता दें कि जो इस समय सियासी समीकरण बिहार में है वो सीधे और साफ तौर पर एनडीए गठबंधन को बहुमत पार करता दिखा रहा है। वर्तमान की अगर बात करें तो 79 सीटों के साथ सबसे ज्यादा विधायक वर्तमान में बिहार विधानसभा में आरजेडी के हैं, उसके बाद बीजेपी के पास 78 आते हैं, फिर जेडीयू के 45, कांग्रेस के 14 और साथ ही साथ हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के 4 विधायक, इसके अलावा सीपीआई सीपीएम के 4 विधायक और अन्य कुछ निर्दलीय विधायकों का यहां समर्थन है। अब यहां गठबंधनों की बात करें तो वर्तमान में एनडीए में जिस तरीके से बीजेपी के पास 78 विधानसभा पर जीतने वाले विधायकों का समर्थन है, तो साथ में जेडीयू के पास वर्तमान में 45 विधायक या कहीं की 45 सीटें हैं, तो इसके इतर यहां हिंदुस्तान आवाम मोर्चा जो एनडीए का एक और सहयोगी दल है उसके पास वर्तमान में 4 विधायक हैं और एक निर्दलीय विधायक का समर्थन एनडीए को मिला हुआ है। ऐसे में तमाम दर्शकों को बता दें कि जिस तरीके से ये संख्या बल है वो 128 पहुंचती है, यानी कि एनडीए के पास वर्तमान में 128 विधायकों का समर्थन नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से आरजेडी नेता विधायकों के द्वारा दावे किए गए कि जेडीयू के बीजेपी के कई विधायक हमारे समर्थन में है, वो चिंताएं एनडीए की बढ़ा देने वाला है। बता दें तमाम दर्शकों को कि जो तमाम तरीके से वादे, तमाम तरीके से दावे किए गए सरकार बनाने के, उसमें यहां जो बयानबाजी रही वो जेडीयू की तरफ से नहीं बल्कि आरजेडी के विधायकों ने की, और एक बड़े ही आत्मविश्वास के साथ यहां आरजेडी विधायकों ने कहा कि कई विधायक खेला होगा, आरजेडी विधायक ही नहीं तेजस्वी यादव भी यहां साफ तौर पर कहते नजर आए थे कि खेला 12 फरवरी को होगा, 12 फरवरी के दिन नीतीश कुमार की सरकार पलट जाएगी। अब तक नीतीश कुमार आ रहे थे, अब की बार नीतीश की सरकार पलट जाएगी, ये लगातार आरजेडी नेताओं के द्वारा कहा गया, तेजस्वी यादव के द्वारा साफ तौर पर ये बात कही गई थी कि अब की बार खेला होगा। अब जिस तरीके से आरजेडी नेताओं के द्वारा ये बात कही गई, ये दावा किया गया, उस पे सवाल उठता है कि उनके इस दावे का आधार क्या था। इतने आत्मविश्वास के साथ जो दावा यहां पर विपक्षी दलों के द्वारा या कहीं आरजेडी नेताओं के द्वारा किया गया, उस आत्मविश्वास का आधार क्या था? जब इस आधार को यहां हम जांच के आंकलन करेंगे उस आधार का, तो पता यहां पर यही चलता है कि उस आधार की जो यहां पर बात निकल के आती है वो यही है कि समर्थन बहुमत यहां पर महागठबंधन के पास नजर आ रहा है। लेकिन वर्तमान में अगर देखिए तो 114 विधायकों का समर्थन महागठबंधन को मिलता नजर आता है, लेकिन जिस तरीके से ये दावे लगातार किए गए, ये दावे वाकई में चिंताएं बढ़ा देने वाले थे एनडीए गठबंधन की, क्योंकि एनडीए गठबंधन 128 विधायकों को लेकर लगातार बात करता रहा है, लेकिन
128 विधायकों में से अब कई विधायकों के नाम सामने आ रही हैं जो इस वक्त चल रहे बिहार विधानसभा में फ्लू टेस्ट के दौरान अभी तक भी बिहार की विधानसभा में नहीं पहुंचे हैं। और ऐसे में बता दें कि जो दावे, जो यहां पर बयानबाजी विधायकों के विधानसभा में ना पहुंचने को लेकर की गई थी, वो खास तौर पर जेडीयू विधायकों को लेकर की गई थी। यहाँ पर कई नाम आए। सबसे पहले आपको बता दें कि शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी ही पार्टी के एक दिग्गज नेता के घर पर एक बैठक बुलाई, लंच का यहाँ पर आह्वान किया था। उस लंच में पार्टी के सभी विधायकों को बुलाया गया था, जिसके बाद वहां से खबर आती है कि 6 पार्टी के विधायक उस लंच में नहीं पहुंचे। अब जब 6 विधायक उस लंच में नहीं पहुंचे तो उससे नीतीश कुमार नाराज हो गए और ये तक बात कही गई कि उस लंच को नीतीश कुमार बीच में ही छोड़कर चल दिए थे। अब जब नीतीश कुमार उस लंच को बीच में छोड़कर चल दिए तो जिन 6 विधायकों का जिक्र था उसमें एक नाम था संजीव कुमार सिंह का। जी हां, संजीव कुमार सिंह को लेकर खबर आई कि शनिवार के दिन संजीव कुमार सिंह, जब नीतीश कुमार ने यहां पर लंच बुलाया हुआ था, उस वक्त वे झारखंड में मौजूद थे। अब जब संजीव कुमार सिंह झारखंड में मौजूद थे तो जब यहां आज सोमवार के दिन बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना था तो संजीव कुमार सिंह जब झारखंड से पटना के लिए रवाना हुए तो बिहार झारखंड बॉर्डर पे यहाँ राज्य पुलिस ने उन्हें रोक दिया। यहाँ पर SSP तक मामला गया और पुलिस ने उन्हें पूरी तरीके से पटना पहुंचने से रोक दिया। और यहाँ पर चौंका देने वाली बात ये रही कि संजीव कुमार सिंह का समर्थन करते हुए यहाँ RJD के कार्यकर्ता नजर आए थे। ये वाकई में चौंका देने वाला था कि JDU के विधायक को पुलिस ने पकड़ा है और समर्थन करते हुए RJD के विधायक यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। अब जिस तरीके से ये बात कही गई, ये बात निकल के सामने आई, इसका अंदेशा यही लग रहा था कि वे कहीं ना कहीं RJD के समर्थन में है। अब अगर RJD के साथ उनका यहां पर संपर्क इस कदर हो चुका है कि वे विधानसभा में नहीं पहुंचेंगे, और विधानसभा में अगर वे यहां पर पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर वे यहां RJD का समर्थन करते नजर आएंगे। इस सब के इतर BJP विधायकों को लेकर भी बातें कही गई थी कि BJP विधायक भी यहां पर है। और बड़ी खबर अब तक की भी ये आ रही है कि जब इस वक्त यहां जो कार्रवाई समय बिहार विधानसभा में चल रही है उसमें भी यहां BJP के 3 विधायकों के नाम आ रहे हैं कि 3 विधायक यहाँ है BJP के जो अब तक भी बिहार विधानसभा में नहीं पहुंचे हैं। अब अगर BJP के विधायक यहां बिहार विधानसभा में नहीं पहुंचते तो चिंताएं यहां पर JDU की नहीं, साथ के साथ यहां पर BJP के भी बढ़ने वाली है, क्योंकि ND का जिस तरीके से यहां पर गठबंधन बना हुआ है वो वाकई में निश्चित तौर पर यहां JDU और BJP का मिलकर बना हुआ है। और इस गठबंधन में सबसे बड़ी भूमिका BJP निभा रही है, वो BJP जिसको लेकर लगातार ये बात कही गई कि अन्य दल के विधायक यहां उस की पार्टी में आ जाते हैं, वो तोड़ मोड़ की राजनीति करती है, अब उसके विधायक यहां टूटते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब इस समय जो कुछ स्थिति बनी हुई है वो वाकई में चिंताजनक है। यहां पर NDA गठबंधन के लिए भी अगर यहां पर JDU के 2 विधायक, जिसमें नीलम देवी और यहां चेतन आनंद, यहां JDU के खेमे में बैठ गए हैं, तो BJP और JDU के भी विधायक हैं जो अब तक भी सदन में नहीं पहुंचे हैं। अब देखना है कि क्या कुछ यहां पर फ्लोर टेस्ट के माध्यम से फैसला होता नजर आता है, क्या नीतीश कुमार 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों तक अपनी सरकार बचा पाते हैं या फिर उससे पहले ही तेजस्वी यादव खेला कर दिखाएंगे, ये जल्द ही पता लग जाएगा। लेकिन इस पूरे मसले पर, बिहार के सियासी महासंग्राम पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे SPN 9 न्यूज़।